चीन ने जनगणना के सरकारी आंकड़े जारी किए हैं। पता चलता है कि बीते दशक में चीन की आबादी सबसे धीमी गति से बढ़ रही है। चीनी सरकार ने बताया है उसके देश की बढ़ोतरी दर जो है शून्य के करीब पहुंच गई है। ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ बच्चों को जन्म देने वाली दंपत्ति की संख्या कम है। चीन में कार्यबल कम हो रहा है क्योंकि देश की आबादी में बुजुर्ग लोगों की संख्या काफ़ी अधिक है। चीन की आबादी 2019 की तुलना में 0.53 बढ़ 1.41178 अरब हो गई। जनसंख्या वृद्धि की दर ये सबसे धीमी है। 2019 में आबादी 1.4 अरब थी। चीन का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश का दर्जा अब भी बरकरार है। जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में इसमें और भी गिरावट आ सकती है, जिसमें श्रमिकों की कमी हो सकती है और उपभोग स्तर में गिरावट आ सकती है। ऐसे में भविष्य में देश के आर्थिक परिदृश्य पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। चीन की जनसंख्या में सर्वोच्च 2.1 वृद्धि दर 1982 में दर्ज की गई थी और उसके बाद से गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसके लिए विशेषज्ञ एक संतान की नीति को जिम्मेदार ठहराते हैं। चीन के नेताओं ने जनसंख्या को बढ़ने से रोकने के लिए 1980 में एक बच्चे के जन्म संबंधी सीमाएं लागू की थीं। देश में कामकाजी आयु वर्ग के लोगों की संख्या तेजी से कम हो रही है और इसके कारण समृद्ध अर्थव्यवस्था बनाने का प्रयास बाधित हो रहा है। नई जनगणना के आंकड़ों से पता चला है कि चीन जिस संकट का सामना कर रहा था उसके और गहराने की उम्मीद है। वर्तमान में चीन में 60 वर्ष से अधिक लोगों की आबादी बढ़कर 26.4 करोड़ हो गई है, जो पिछले साल के मुकाबले 18.7% ज़्यादा है। चीन में कामकाजी आबादी या 16 से 59 आयु वर्ग के लोग 88 करोड़ हैं, यानी बुजुर्गों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे आने वाले दिनों में चीन को दिक्कत हो सकती है। वर्ष 2019 में 1.366 अरब की आबादी वाले भारत के 2027 तक दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश के तौर पर चीन से आगे निकल जाएगा, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। वैसे जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित ही करना चाहिए। भारत और चीन की यदि हम तुलना करें तो भारत को और भी प्रयास करने चाहिए जिससे जनसंख्या वृद्धि दर को रोका जा सके। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। जो कहीं नहीं वो यहां है, जो सही है वो यहां है, जो देश दुनिया में है वो यहाँ है। एक स्पष्ट सोच यहाँ है, हर परिवर्तन की खबर यहाँ है, हर लोगों की बुलंद आवाज यहाँ है। राजनीति, खेल, फिल्म, उद्योग, विज्ञान की हर बात यहाँ है, हर अधिकारों की बात यहाँ है, अन्याय के खिलाफ संघर्ष यहाँ है, हर कर्तव्यों की बात यहाँ है। यहाँ है लल्लूराम.com। सच कहेंगे लल्लूराम।